दुनिया का बेस्ट हेयर मास्क है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक ब्यूटी हैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, पॉजिटिव हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पहले के टाइम पे कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट नहीं होता था, कोई भी स्मूथिंग नहीं होता था, कोई भी स्पा नहीं होता था। पहले के टाइम पे जो लोग थे वो इतना सैलून नहीं जाया करते थे और वो अपने घर पे ही रेमेडी को प्रिपेयर करके एप्लीकेशन किया करते थे और उनके बाल जो थे वो लंबे मोटे चमकदार हुआ करते थे। तो क्यों ना आज हम पहले की रेमेडी को ट्राई करें और अपने हेयर को हम मोटा लंबा चमकदार बनाएं। मैंने एक नहीं बल्कि कई सारी रेमेडीज को मैं आप लोग के साथ शेयर की है और आज फिर मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा असरदार है। इसे लगाने के बाद आपको रिजल्ट मिलना तो अनिवार्य ही अनिवार्य है, क्योंकि मैंने लगाया और मुझे बहुत ही गजब का रिजल्ट मिला है। मैं इसे महीने में एक बार तो ज़रूर ही लगाती हूँ और जब भी मुझे लगते हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बेजान से हो गए हैं, इसमें जान नहीं है, इसमें कलरिंग की ज़रूरत है, तो इस हेयर मास्क को मैं बना के अपने बालों पर लगाती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज इस रेमेडी को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर करें लाइक। आपने फेनुग्रीक के बारे में तो सुन, मैंने इसके फायदे एक बार नहीं बल्कि कई बार बताए हैं और आज मैं इसके फायदे नहीं बताऊंगी बल्कि आज मैं इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन बताऊंगी। जी हाँ, तो आपको अपने किचन से एक मुट्ठी फेनुग्रीक का ले लेना है और उसके बाद आपको एक मुट्ठी चावल का लेना है। दोनों को अच्छे से आपको वॉश कर लेना है और इसे आपको ओवरनाइट या फिर 2-4 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देना है। जी हाँ, जब ये अच्छे से सोक हो जाए उसके बाद आपको इसके पानी को निकाल देना है और इसे हमें एक मिक्सर में अच्छे से पीस देना है। जी हाँ, पीसने के बाद जो हमने पानी रखा था उसे हमें पानी को फेंकना नहीं है बल्कि हमें पानी को रखना है। उसके बाद जो हमें लेना है, जो मेरा फेवरेट है, हिना। जी हाँ, आप हिना का एक पैकेट ले सकते हैं। आपके पास हिना ना हो तो आप नेहा का भी ले सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि आप हिना का ही लें। जी हाँ, उसके बाद आपको हिना के पाउडर को डाल देना है और इसके पानी से हमें अच्छे से इसे मिक्स करते जाना है। जी हाँ, अभी मिक्स कर देना है, हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है और हमें इसे ओवरनाइट या फिर 4-5 घंटे के लिए हमें इसे छोड़ देना है ताकि अच्छे से ये जो मेहंदी है वो फूल जाए। फूलने के बाद हमें इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। जी हाँ, मैंने स्मूथिंग के लिए एलोवेरा जेल रखा था। अगर आप एलोवेरा जेल में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसमें ऐड डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, इन तीनों में से आप कुछ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप एलोवेरा के लिए कंफर्टेबल है तो आप इसमें एलोवेरा डाल दें, अच्छे से इस पेस्ट को मिक्स कर दें। बाद इसे कुछ देर तक के लिए छोड़ दीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमें अपने बालों पे करना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करने में बहुत मज़ा आने वाला है हमें पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है किसी कंघी की मदद से, उसके बाद हमें एप्लीकेशन करना है। जी हाँ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस होता है, इतना हमारा बिजी शेड्यूल होता है कि हम रिलैक्स नहीं हो पाते, हमारे ऊपर बहुत सा बर्डन होता है, पर जब हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हुए हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। जी हाँ, इससे आपको एप्लीकेशन करने में मदद मिलेगा और प्लस में आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा एप्लीकेशन करते वक्त। तो इसी तरीके से आपको एक एक पार्ट ले लेना है बालों का और आपको मेहंदी लगाते हुए जाना है। अच्छे से आपको पूरे बालों पे लगा लेना है, लेंथ पे लगा लेना है, बिल्कुल अच्छे से लगाना है। आपको बालों को उलझाना नहीं है, अच्छे से लगाते हुए जाना है और लगाने के बाद आपको अपने बालों को बांध लेना है। बांधने के बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, वो है इसे 2 घंटे के लिए रखना। जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा बोझ सा लगता है इसे रखने के लिए, पर फिर भी हमें इसे 2 घंटे के लिए रखना है ताकि ये जो है ये हमारे बालों में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, स्कैल्प पे ऑब्जर्व हो जाए और हमारे बालों में ये अच्छा सा जान डाल सके। पहले के जो लोग हुआ करते थे वो सैलून नहीं जाते थे बल्कि इसी तरीके का वो एप्लीकेशन अपने बालों पे करते थे और उनके जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हुआ करते थे। अगर आपके घर में पहले के लोग होंगे तो आप उनके बालों को देख सकते हैं कि उनके बाल कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं। वो पहले की ही एप्लीकेशन को किया करते थे और आज तक उनके बाल हेल्दी है। जी हाँ, तो हम भी इस एप्लीकेशन को करेंगे। 2 घंटे के लिए हमें इसे बिल्कुल छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद हमें करना है वॉश। जी हाँ,
वॉश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि जो फेन्युग्रीक है वो हमारे बालों में फंस भी सकता है और सूखने के बाद तो वो चिपक जाता है। तो आप जब वॉश करने जाए तो आप अपने साथ एक कंघी लेके जाए, ताकि कंघी से अच्छे से आप बालों को झाड़ के जो भी फंसा हुआ है उसे आप अच्छे से निकाल सके। जी हाँ, अच्छे से आपको वॉश कर लेना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप शैम्पू सेम डे कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है, आप चाहते हैं कि हमें अपने बालों पर थोड़ा सा कलर लाना है, तो आप उसके नेक्स्ट डे शैम्पू करें। बट मैंने सेम डे करा था, क्योंकि मुझे कलर की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सेम डे करके अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर आप सेम डे शैम्पू नहीं कर रहे हैं तो आप रात को तेल से अपने बालों पर अच्छे से मसाज कर ले, उसके बाद आप शैम्पू करें। शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों को अच्छे से सुखा ले। सुखाने के बाद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसा रिजल्ट मिला या मिलेगा, क्योंकि इतना गजब का इसके रिजल्ट होते हैं, ये आप खुद ही एक्सपीरियंस करें। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पावरफुल और असरदार हेयर मास्क है। तो इस हेयर मास्क को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। और प्लस में अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो आपके बाल का टूटना भी ये हेयर मास्क बंद करेगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।